तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, मतलब बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज मैं बाइक लेने जा रही हूँ। कल मैंने इंस्टा पे भी अपडेट डाला था कि मैं एक बाइक लेने जा रही हूँ रॉयल एनफील्ड पे, तो काफ़ी लोगों ने भी कमेंट किया था, यार कौन सी बाइक ले रहे हो, क्या है, कैसा है। तो मैं वो सरप्राइज रखी थी कि आज मेरा बाइक लेने जा रही हूँ मैं। कल मैंने फाइनल कर दिया था बाइक। काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में था कि यार मुझे अभी गियर वाली बाइक राइड करना चाहिए, क्योंकि अभी यमाहा का एरोक्स राइड करते करते मुझे ऑलमोस्ट 5-6 मंथ हो गए, तो काफ़ी मेरा अच्छा हो गया है सीन राइडिंग में। तो अभी मैं इतने दिन से प्लान कर ही रही थी कौन सा लूँ। दशहरे पे भी मेरा प्लान था, फिर मैं स्पोर्ट्स बाइक और रॉयल एनफील्ड के बीच में मैं फंस गई थी। लाइक मेरा RTR 310 का भी प्लान था, और मेरा KTM जो 250 TFT न्यू के साथ आई है उसके लिए मुझे 1 महीना बोल रहे हो, प्रॉपरली 1 महीना लगेगा आने में, तो मैं उसके लिए उतना इंतज़ार करना नहीं चाहती। तो अभी एरोक्स एक्सीडेंट हो गया था, इसको बाइक अभी मैंने यमहा में दे रखा है, उसका इंश्योरेंस का काफ़ी लंबा चक्कर चल रहा है, तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना हम न्यू बाइक ख़रीद ही लेते हैं। आज नहीं तो कल लेना ही था, और प्लान भी काफ़ी टाइम से कर रही थी कि मुझे बाइक लेना है, तो अभी फाइनली लेने जा रही हूँ बाइक। बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी सुबह से रेडी होने में इतना टाइम लगा, ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, ये करो वो करो में ही निकल गया है। सो आज ट्यूसडे है, तो मैंने सोचा अच्छा दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो आज ही ले लेते हैं। अभी निकल रहे हैं रॉयल एनफील्ड पे, मिलते हैं वहाँ पे, और मैं दिखाती हूँ मैं फाइनली कौन सा बाइक चूज की हूँ। चलो जल्दी से चलते हैं, कांट वेट। ऑन द वे टू रॉयल एनफील्ड, थोड़ा सेलिब्रेशन के लिए केक एंड ऑल लिया हुआ है, अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि ऑल काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं, जल्द से जल्द निकलते हैं। यहाँ पे की ट्रैफिक ज़्यादा है अभी, राइट नाउ मैं ये बाइक रोहतक से ले रही हूँ, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडी एरिया है यहाँ पे, तो केक ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मार्केट पे पहुँच गई है। अभी जाना है वापस रॉयल एनफील्ड, लेट्स गो फास्ट। सो गाइस, एंटर्ड इन रॉयल एनफील्ड, अभी बस वेट है तो बाइक का। वैसे हमारी बाइक रेडी है, मैं अभी बताऊंगी नहीं कि कौन सी बाइक ले रही हूँ, क्योंकि सेटअप पूरा उसी का रखा हुआ है इन्होंने। सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है, बस दिखा सकती हूँ थोड़ा बहुत। दिस इज़ द बाइक, जो भी अंदर है अभी रिवील नहीं करूँगी, थोड़ा रुकते हैं और थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कौन सी बाइक लेने वाली हूँ। सो क्योंकि अभी जो पीछे बैकग्राउंड रखा है ना, सब सेटअप किया हुआ है वो बाइक का लोगो एंड उसके साथ, उसी के लिए मैं वहाँ तक नहीं ले जा पा रही हूँ। सो वेरी एक्साइटेड, और देखा जाए तो गियर वाली बाइक तो मेरी पहली है ये। मोटर व्लॉगिंग मैंने यमहा पे शुरू की थी, अब रॉयल एनफील्ड, देखते हैं जर्नी कैसे रहेगी। इतने टाइम से सब लोग कौन सी बाइक है कमेंट आ रहे थे, तो चलो लेट्स गो।
తడిచే తడిచేసి పెట్టాలి దాని మధ్యలో మధ్యలో లైట్ ఉంది ఆర్ ప్లస్ లో ఓకే ఓ హ్యాండిల్ దగ్గర బ్యాక్ సైడ్ అన్ని చోట కింద సైడ్ న షాక్ అబ్జర్వర్స్ దగ్గర సైడ్ న టైర్ మీద కదా ముందు పసుపుతో పెట్టి తర్వాత కుంకుమతో పెట్టి అన్ని పెట్టు వెనక సైడ్ వెనక టైర్ సైడ్ న స్లీక్స్ గాడి కార్ తీ దియా తర్ ఒక్క నిమిషం పెట్టిన తర్వాత హారం పెట్టిన తర్వాత తెస్తా ద చిన్న రిచరి వీడు ఇందది ఇస్కే ఊపర్ లగా లో నా ఇస్కే బజాయ్ నీచే ఇస్కే జో నంబర్ ప్లేట్ కే పాస్ దియా నా ఓ కర్ కింద नंबर प्लेट के पास वैसे बांध लो थोड़ा धागा लाके एक्स्ट्रा अरे नीचे से नीचे से नारे पाइने ये लेंस सर गानी ये चप्पे का दाम पाइने इस थाने इनले चप्पल पहन के नहीं चप्पल नहीं